देश में NRC यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पिछले दिनों असम में जो NRC जारी हुआ था उसमें 40 लाख लोगों के नाम नहीं थे, जिसके बाद TMC समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा छेड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार NRC के बहाने लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ BJP का कहना है कि ये दल वोट बैंक की खातिर घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। इस बीच BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम माथुर ने NRC को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि BJP अब इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। ओम माथुर ने कहा कि अगर 2019 में BJP की सरकार आई तो पूरे देश में NRC को लागू किया जाएगा। देश का, हमारा हिंदुस्तान का नागरिक भुगत रहा है। कोई बड़ा शहर कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। ये NRC का बीज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला, ये NRC शुरुआत की इंदिरा ने और बीज डाला राजीव गांधी जी ने, उनके पिताजी ने डाला। अब इनकी हिम्मत नहीं थी, 10 साल इनको भी राज करने का मौका मिला है। इनकी हिम्मत होती वो 10 साल में NRC एग्जीक्यूट करती। क्यों? हमने उसको हिम्मत दिखाकर एग्जीक्यूट किया है और हमने तय किया है दोबारा 2019 में भी हम जीतने वाले हैं। और NRC अभी तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सिर्फ आसाम में है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी के नाते कि हम NRC संपूर्ण देश में लागू करेंगे। इस देश को धर्मशाला बनने नहीं देंगे। इस देश में जितने घुसपैठिए उन घुसपैठियों को बकायदा कानून के तहत हम यहाँ से निकाल, एक भय पैदा कर रहा। एक NRC की जो पहली ड्राफ्ट आई है उस ड्राफ्ट में स्वाभाविक रूप है उसमें 25-30 नियम दिए हुए, कोई नहीं मिला। फिर भी कहा हुआ हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक कोई कानून के तहत नहीं निकाला जाए। सिर्फ ओम माथुर ही नहीं, BJP शुरू से ही इस मुद्दे पर हमलावर रही है, चाहे वो सदन हो या फिर बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी सार्वजनिक मंच पर NRC के मुद्दे पर अपनी बात रखते आए हैं। यही नहीं, अमित शाह ने अभी हाल ही में हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2019 के चुनाव में नागरिकता भी एक बड़ा मुद्दा होगा जिसे BJP पूरे देश में उठाने वाली है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को कहने आया हूँ, ये NRC क्या है? NRC है आसाम के अंदर से विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर चिन्हित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया NRC है। इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं। मुझे बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, NRC आपके रोके से नहीं रुकेगी। आपको बता दें कि NRC के मुद्दे पर BJP शुरू से ही विपक्ष पर भारी पड़ रही है। शुरुआत में इस मुद्दे पर गृह युद्ध और रक्तपात की धमकी देने वाली ममता दीदी का जहां पहले कांग्रेस समेत कई दल साथ छोड़ गए, तो वहीं अब उनके सुर भी थोड़े हल्के हो गए हैं। इधर BJP अब 2019 के चुनाव में इस मुद्दे के सहारे विपक्ष को पटखनी देने का प्लान तैयार कर चुकी है।